हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। साथियों, आज हम आपको बताएंगे ऐसे आहार के बारे में, यदि आप उनका सेवन करते हैं तो आपकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। आपसे ये भी निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, जो कि पूर्णतः फ्री है। सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब के साथ वाले ऑप्शन बेल को फिर प्रेस करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। साथियों, जिस तरह से हमारी समस्या मोटापा या फिर खूबसूरती है, उसी तरह से हमारी हाइट का कम होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आदमी हो या औरत, अगर किसी की भी हाइट कम हो तो उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो इंसान खुद ही हीन भावना का शिकार होने लगता है, चाहे उस व्यक्ति के अंदर कितनी ही खूबी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उसे यही लगता है कि वे दूसरे से कम है। इसके अलावा हाइट का कम होना हमारी खूबसूरती को भी बिगाड़ता है। साथियों, यहाँ हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें, जैसे कि आप हैं, और अपना कॉन्फिडेंस हमेशा कायम रखें। दोस्तों, हाइट ना बढ़ने के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहले है जेनेटिक इशू। फैमिली के हिसाब से डिपेंड करते हैं, माता पिता की हाइट क्या है या फिर फैमिली मेंबर के हिसाब से भी, ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी के जेनेटिक हार्मोन्स पर। इसके अलावा शरीर को सही आयरन, मिनरल, कैल्शियम या फिर विटामिन ना मिल पाना भी हाइट की ग्रोथ को रोकता है। दोस्तों, लंबाई को बढ़ाने में संतुलित आहार की बहुत मुख्य भूमिका होती है। अगर आप लगातार एक्सरसाइज करें और संतुलित आहार लें तो आप निश्चय ही अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, लंबाई को बढ़ाने के लिए जिस विटामिन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनमें से एक है विटामिन डी। अच्छी तरह से कैल्शियम को हड्डियों में अवशोषित करने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए आपको विटामिन डी की जरूरत होती है। और विटामिन डी को पाने के लिए आप अपनी डाइट में मछली, दाल, अंडे, टोफू, सोयाबीन पनीर को कहते हैं, या फिर सोया मिल्क, सोयाबीन, मशरूम और बादाम आदि को शामिल कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा हम आपको बताते हैं शलजम भी एक ऐसा फूड है जो आज के समय में हर जगह आसानी से मिल जाता है। शलजम हार्मोन को बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें विटामिन, खनिज, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। आप शलजम को सब्जी, सलाद, किसी भी रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और अपनी डाइट में शामिल कर इससे अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, भिंडी न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है, बल्कि ये आपकी लंबाई को बढ़ाने में भी सहायक होती है। भिंडी में पानी, फाइबर, कार्ब, विटामिन और खनिज काफी मात्रा में मौजूद होते हैं। भिंडी भी शरीर के हार्मोन्स को बढ़ाती है, इसीलिए एक संपूर्ण आहार का निर्माण करती है। यदि आप अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या में भिंडी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आंवला कैंडी या आंवले के जूस के रूप में आप आंवले को शामिल कर सकते हैं। आंवले में विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस आदि खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि शरीर के विकास और हाइट को बढ़ाने में काफी उपयोगी साबित होते हैं। इसीलिए आप अपनी दिनचर्या में आंवले को भी शामिल करें। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर को प्रोटीन और हाइट को बढ़ाने के लिए भरपूर विटामिन मिल सकें, तो इसके लिए आप अपने आहार में पालक, बीन्स, टमाटर, बंद गोभी, ब्रोकली आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पालक को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो पालक का सेवन करने से आपकी हाइट तेजी से बढ़ने लगेगी, क्योंकि पालक में कैल्शियम, फाइबर, विटामिन और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे हमारी मांसपेशियों को ताकत मिलती है और वो मजबूत बनती है। दोस्तों, बीन्स भी हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं। इनमें कई प्रकार के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए काफी मददगार होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हमारे हार्मोन्स को बढ़ावा मिलता है, जिससे हमारी हाइट को बढ़ने में काफी मदद मिलती है। दोस्तों, ब्रोकली में विटामिन सी और आयरन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो कि शरीर का खून बढ़ाने के लिए काफी सहायक होते हैं। शरीर का खून बढ़ाने के साथ साथ ये लंबाई बढ़ाने में भी हमारी मदद करते हैं। ब्रोकली दिखने में एकदम फूल गोभी जैसी होती है, बस इसका कलर थोड़ा डार्क ग्रीन का होता है। ब्रोकली में भी आपको विटामिन्स, आयरन, प्रोटीन और मिनरल्स सब भरपूर मात्रा में मिलते हैं। आप अपनी डाइट में ब्रोकली को जरूर शामिल करें। दोस्तों, टमाटर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, साथ ही साथ हमारी लंबाई भी बढ़ती है। इसीलिए आप रोजाना अपने आहार में टमाटर को शामिल कर सकते हैं। आप चाहे तो चुकंदर, गाजर, टमाटर इन सब्जियों का सलाद बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। बंद गोभी में भी विटामिन्स, आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स और काफी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं,
जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, भरपूर प्रोटीन मिलता है और साथ ही साथ हार्मोन्स का भी बढ़ावा होता है। और शरीर में अगर हार्मोन्स का बढ़ावा होगा तो हमारी हाइट बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। इसीलिए आप अपनी डाइट में बंद गोभी को भी शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताए कुछ ऐसे आहार, यदि आप इनको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी हाइट तेजी से बढ़ने लगेगी। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा औरों तक शेयर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके द्वारा और साथियों तक भी पहुँचती रहे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।